वेलकम टू वे टू सक्सेस। वे टू सक्सेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 27 मार्च 2019 का करंट अफेयर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ठीक है। और जिसका पहला क्वेश्चन है, किस चोटी को फतह करने के लिए प्रथम भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान को 26 मार्च 2019 को महानिदेशक सैन्य प्रशिक्षण ने झंडी दिखाकर रवाना किया? तो माउंट मकालू, ठीक है। माउंट मकालू को फतह करने के लिए प्रथम भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान को 26 मार्च 2019 को महानिदेशक सैन्य प्रशिक्षण ने झंडी दिखाकर रवाना किया, ठीक है। ये माउंट मकालू, समझ में आ रहा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर करें, आज 3 लोगों को, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपने अभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस इंडेक्स, ठीक है, AUS से ऑस्ट्रेलिया होता है और IND से इंडिया और EX से एक्सरसाइज, ठीक है। तो नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के तीसरे संस्करण का आयोजन 2 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच कहाँ किया जाएगा? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सैन्य अभ्यास होंगे, तो कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो है कैनबरा, कैनबरा इसकी राजधानी है। करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मैल्कम टर्नबुल, तो एक बार मैं रिवाइज फिर से रिपीट कर देता हूँ, नाम लिख लीजिएगा इनका, मैल्कम टर्नबुल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोलन पहाड़ियों पर किस देश की संप्रभुता को मान्यता देने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश की संप्रभुता को मान्यता देने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं डोनाल्ड ट्रंप जी ने? तो ये किए हैं इसराइल, ठीक है, इसराइल देश की संप्रभुता को मान्यता देने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, गोलन पहाड़ियों पर, समझ में आ रहा ना, याद रखेगा गोलन पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा इसके बारे में भी जान लेते हैं, गोलन पहाड़ियाँ इस है क्या ये 1967 तक गोलन पहाड़ियाँ सीरिया का हिस्सा थी। इसराइल ने 1967 में 6 दिवसीय युद्ध में, यानी कि तृतीय अरब इसराइल युद्ध, जो 6 दिवसीय युद्ध हुआ था 1967 में, उसे तृतीय अरब इसराइल युद्ध भी बोलते हैं, में गोलन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, ये इसराइल ने कब्जा कर लिया था। गोलन पहाड़ियों पर इसराइल के कब्जे को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मान्यता नहीं दी और इस क्षेत्र को अधिकृत सीरियाई क्षेत्र के रूप में देखा जाने लगा। इसराइल का मत है कि ईरान सीरिया की ओर से इसराइल पर हमला करने की मंशा रखता है। गोलन में जल स्रोत हैं तथा प्राकृतिक रूप से उपजाऊ भूमि है, ठीक है। दोस्तों, तो ये था गोलन पहाड़ियाँ, जरा मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत और श्रीलंका के बीच 26 मार्च से 8 अप्रैल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हो रहा है, वो है मित्र शक्ति 6 युद्ध अभ्यास, भारत और श्रीलंका के बीच। अब यहाँ पे श्रीलंका की बात आई तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं मैत्रीपाला श्रीसेना यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो करेंसी की बात करें तो वो रुपी है, ठीक है, रुपी। और यहाँ की कैपिटल तो है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है, तो याद रखिएगा कोलंबो नहीं है यहाँ की कैपिटल, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा है यहाँ की कैपिटल। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोलंबो बता देते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने फिनटेक कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया? इसका उद्घाटन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास द्वारा किया गया। तो अभी शशिकांत दास ने उद्घाटन किया है फिनटेक कॉन्क्लेव 2019, तो ये
किया गया नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग ने फिनटेक कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया है, ठीक है। और इसका जो आयोजन, इसका जो उद्घाटन किया गया, वो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शशिकांत दास, याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास जी ने, ठीक है, इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है नीति आयोग, तो नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वो होता है भारत का प्रधानमंत्री, तो इस समय नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वही उसका अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष बात बात करें तो यह है अमिताभ कांत, अमिताभ कांत इसके क्या है उपाध्यक्ष। और इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, याद रखिएगा ये पॉइंट्स। और यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर की बात आई शशिकांत दास, याद रखिएगा ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व भारत विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में किस स्थान पर है। इस बार भारत ने रैंक में 2 स्थानों की वृद्धि की, तो भारत है 76वें स्थान पर, 76 स्थान पर है भारत विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में 76 स्थान पर था, पहले 78 पर था। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं, ग्लोबल आर्थिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम है क्या। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 को विश्व आर्थिक फोरम ने तैयार किया है। इस सूची में 115 देशों की रैंकिंग की गई। इस सूची में पहले स्थान पर स्वीडन है और इसके बाद स्विट्जरलैंड और नॉर्वे का स्थान है, यानी कि दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व आर्थिक फोरम की, 1971 को, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। विश्व आर्थिक फोरम का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका इसके जो CEO हैं वो हैं क्लॉस एम स्वाब इसके CEO हैं। और यह एक गैर लाभकारी संगठन है, यह अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है, ठीक है। तो हमने विश्व आर्थिक फोरम के बारे में आपको बता दिया, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बस आप नोट्स बनाते रहिएगा, एक भी करंट अफेयर एग्जाम में इससे बाहर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, तो इस किसकी अध्यक्षता में, नंदन नीलेकड़ी, ठीक है, नंदन नीलेकड़ी की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं बने हैं वो है नंदन नीलेकड़ी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस बोर्ड ने नए सत्र के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नवी कक्षा के छात्रों के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में, जबकि योग और वरिष्ठ स्तर पर शुरू करने की घोषणा की है। योग को वरिष्ठ स्तर पर शुरू करने की घोषणा की है, तो कौन सा बोर्ड है यह ऐसा, ये सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा करने की घोषणा की है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड ने अगले सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नवी कक्षा के छात्रों के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में, जबकि योग को वरिष्ठ स्तर पर शुरू करने की घोषणा की है, ये बोर्ड है सीबीएसई। दोस्तों ये थे हमारे आज का करंट अफेयर 27 मार्च 2019 का। अगर हमारा करंट अफेयर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।